नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि रविंद्र। आप देख रहे हैं YouTube चैनल लई भारी। दोस्तों आपका अपना चैनल, चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया अपडेट आए मेटाफर्स की तरफ से या फिर हमारे क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं आज लाया हूँ दोस्तों। ट्रस्ट वॉलेट को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ट्रस्ट वॉलेट को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। लेकिन आपके मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट है तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये सभी चीज़ें क्लियर होने वाली है। वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल है तो वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो दोस्तों चलिए, ये क्यों हटा दिया गया, क्या हटा दिया गया, ये जो न्यूज़ मिली है हमें, जो ऑफिशियली ट्रस्ट वॉलेट का जो टेलीग्राम चैनल है उससे ये न्यूज़ मिली है और उन्होंने ये कहा है कि अस्थायी रूप से इसको हटा दिया गया है। लेकिन जिनके पास ट्रस्ट वॉलेट है वो चालू रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपडेट नहीं होगा। बाई चांस सपोज आप उसको अपडेट कर लेते हैं, वो अगर डिलीट हो जाता है तो आपके 12 शब्दों का जो की है वो आपके पास होना चाहिए। तो जो ट्रस्ट वॉलेट यूज़र है उनको सबसे पहले एक काम करना है कि अपने 12 शब्दों का जो पासवर्ड है, जो की है, उसको आपको राइट करके रख देना है। तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ट्रस्ट वालों ने ये भी बता दिया कि उनके साइट से आप APK ऐप डाउनलोड करके उसको भी आप चला सकते हैं, लेकिन प्ले स्टोर से उसको हटा दिया गया है, अस्थायी रूप से उसको हटा दिया गया है। गूगल की तरफ से ट्रस्ट वालों से के साथ बातचीत चल रही थी और ट्रस्ट वॉलेट ने उसका जवाब भी भेजा था। हालांकि उनकी जो कंप्लेंट है वो पेंडिंग है, फिर भी गूगल ने ये कार्रवाई उनके खिलाफ़ की है और उसको प्ले स्टोर से एंड्रॉयड का जो वर्जन है उसको हटा दिया गया। तो डरने वाली बात नहीं है, सिंपल ये है कि आपको क्या करना है, आपका ट्रस्ट वॉलेट अगर आप यूज़र है तो उसका 12 शब्दों का की आपको राइट करके लेना है ताकि इनकेस कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ट्रस्ट वॉलेट में अपडेट आ जाता है, आप अपडेट करते हैं या फिर वो डिलीट हो जाता है या फिर वो ओपन नहीं होता है तो आप आपका 12 शब्दों का की एंटर करके आप टोकन पॉकेट, मेटामास्क, ऐसे कई सारे डिसेंट्रलाइज ऐप है जो आप एक्सेस, उसमें आपका जो भी अकाउंट है, जो करेंसी है, जो एसेट है या फिर कोई प्रोजेक्ट के साथ आप जुड़े हैं तो उससे आप वो चला सकते हैं। तो हमारे लिए इतना ही ये न्यूज़ है कि अभी ट्रस्ट वॉलेट के अलावा टोकन पॉकेट या फिर मेटामास्क या फिर 1 इंच, जो भी आपको वॉलेट अच्छा लगे वो आपको इंस्टॉल कर लेना है और आपके 12 शब्दों का की पहले निकाल लेना है। तो यही आज का अपडेट है, कोई डरने वाली बात नहीं है। डरने वाली बात ये थी कि जिनके पास केवल ट्रस्ट वॉलेट है और उनका पासवर्ड अगर नहीं लिखा है तो पता नहीं अगर ऐप डिलीट हो जाता है या फिर ट्रस्ट वॉलेट में अपडेट आता है, कई बार अपडेट आता है तो फिर वो ओपन नहीं होता है। तो ये सभी दिक्कतों से बचने के लिए मुझे ऐसे लगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये मुद्दा है, क्योंकि हम क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो सब ने अपना अपना 12 शब्दों का की राइट करके रखना है। पता नहीं आगे चल के और क्या क्या हमें देखने को मिले। बायनांस जैसा एक्सचेंजर भी बंद हुआ है। देखिए भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको अगर हो सकता है कुछ फॉलो अगर नहीं किया होगा तो उसके कारण ये कार्रवाई हुई है, तो हमें उनसे कंसल्ट नहीं है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका पासवर्ड आप राइट करके रखें ताकि ऐसा कोई और भी वॉलेट अगर बंद हो जाता है या फिर गूगल उसको हटा देता है तो हम दूसरे इसमें उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो भी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिएगा और टीम में हर एक को शेयर कीजिएगा ताकि हर एक को ये पता चले और वो अपना 12 शब्दों का की लिखे और दूसरा कोई ऐप इंस्टॉल करे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मेटाफोर्स।